ऑल राइट दोस्तों, क्या आप भी जो है हर मेल के नीचे बार बार जो है थैंक्स एंड रिगार्ड या फिर अपने कंपनी का लोगो और मोबाइल नंबर जो है बार बार डालते हैं? तो दोस्तों 2022 के अंदर दोस्तों ये जो है लेटेस्ट वीडियो रहने वाली है, वो भी जीमेल की। तो दोस्तों जीमेल अपडेट होने के बाद दोस्तों अभी तक जो है किसी ने भी इस सेटिंग की वीडियो नहीं डाली है। जिन्होंने भी डाली है, जो कि पहले जो सिग्नेचर अपडेट करने का, उन लोगों ने दोस्तों अपडेट होने से काफी साल पहले का डाला, या फिर किसी ने 1 साल पहले का डाला, या फिर किसी ने 4 साल पहले का वीडियो डाला हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप जो है अपने कंपनी का नंबर, या फिर अगर आप अपने कंपनी का लोगो, या फिर आप जो है अपना पर्सनल नंबर हर मेल के नीचे बार बार ना लिख के जो है आप जो सेटिंग में जाकर सिर्फ वन टाइम लिख सकते हैं। उसके बाद आप जो है पूरी मेल टाइप करेंगे और जो है आपके हर मेल के नीचे आपके कंपनी का लोगो और आपका जो है मोबाइल नंबर अपने आप ही हर मेल के नीचे आने लगेगा। दोस्तों ये जो सेटिंग है वो होगा किस तरीके से, ये सब कुछ बताने के लिए ले चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर की होम स्क्रीन। दोस्तों हम अपने ईमेल आईडी पे आ चुके हैं, और आने के बाद अगर आप अपने कंपनी का लोगो वगैरह इसके अंदर डालना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपना जो है सिग्नेचर इसके अंदर डालना चाहते हैं, तो दोस्तों सिंपली जो है डाल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम सिंपली जो यहाँ से सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं, और दोस्तों ये सब कुछ जो है मैं आपको 3 स्टेप में बताने वाला हूँ। ये दोस्तों हमारा पहला स्टेप चल रहा है। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा स्लाइड कर लेंगे। स्लाइड करने के बाद जो दोस्तों हम नीचे आ जाएंगे। नीचे दोस्तों सबसे पहले हमारे यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर दिख जाएगा, और नीचे दोस्तों हमारा दिख जाएगा नो सिग्नेचर, और इसके नीचे जो हमारा दिख जाएगा प्लस क्रिएट न्यू, यानी कि इसके अंदर हमारे को सब कुछ जो है अपडेट करना है। दोस्तों हम इस पे जो है चले जाते हैं, इस पे हम लिख देंगे माई सिग्नेचर। दोस्तों सिग्नेचर लिखने के बाद हम यहाँ पे सिंपली जो है क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरीके से जो है खुल जाएगा। यहीं पे दोस्तों जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो हमारा खत्म होता है, क्योंकि अपने सेकंड स्टेप की तरफ। और सेकंड स्टेप के लिए सबसे पहले जो है अपने कंपनी का जो है हम लोगो अपडेट करेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों लोगो डालने के लिए सिंपली जो दोस्तों हमारे यहाँ पे इमेज वाला ऑप्शन है, इंसर्ट इमेज, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है हम अपलोड वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम जो है सिलेक्ट अ फाइल वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, यहाँ पे जो हमारे कंपनी का जो लोगो होगा हम उसको सिंपली जो है इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद थोड़ा सा ये अपलोड होने में टाइम लगेगा। यहाँ पे आने के बाद ये कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखेगा, तो दोस्तों हम इस पे जो है सिंपली क्लिक कर लेंगे। इसका साइज जो है मीडियम कर देंगे। मीडियम करने से जो है दिख जाएगा। अगर आप इसके नीचे जो है अपने कंपनी का एड्रेस डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए। तो दोस्तों मैं भी जो है डाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में किसी भी जगह का जो है एड्रेस डाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैं इसके अंदर डाल देता हूँ B28/17 लॉरेंस रोड। दोस्तों अगर ये अगर आपको छोटा लग रहा है, तो दोस्तों आपको सिंपल इसको सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा फर्स्ट वाला जिसपे हमारा डबल टी है, यानी कि ये हमारा फॉन्ट का साइज है, तो दोस्तों इसको मैं लार्ज कर देता हूँ। लार्ज करने के बाद दोस्तों मैं सबकी जो फर्स्ट जो लेटर है उसको मैं कैपिटल में कर देता हूँ। इससे ये होगा जो देखने में ना दोस्तों अच्छा भी लगेगा, वरना या फिर पहला जो लेटर होगा स्मॉल होगा तो उतना मजा नहीं आता देखने में। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे दिल्ली लिख दिया अपने, यानी कि कंपनी का जो है एड्रेस एकदम मेरा तैयार है। इसके नीचे मैं लिख दूंगा थैंक्स एंड रिगार्ड। ये हर एक मेल के नीचे रहता है अगर आप देखेंगे तो। दोस्तों ये लिखने के बाद जो है मैं भी इसका जो है फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में कर देता हूँ। ये करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जो है बोल्ड कर देता हूँ, यानी कि बोल्ड में जो है थोड़ा सा अलग लगेगा देखने में। बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से जो मैं इसका कलर है उसको थोड़ा सा ब्राउनिश कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। नीचे जो इसके मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर। यहाँ पे जो है मैं अपना इसके अंदर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसके अंदर 2, 3, 4, 5 जितने मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं दोस्तों आराम से डाल सकते हैं। इसके नीचे अगर आपके पास अगर कोई भी वेबसाइट है, यानी कि अगर आपने अपने कंपनी का वेबसाइट डाला हुआ है या फिर बनाया हो या फिर बनाने वाले हैं, तो सिंपली जो है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आप सिंपली जो है अपने वेबसाइट पर चले जाएंगे। दोस्तों अब मेरे पास यूट्यूब चैनल, तो सिंपली जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर चले जाता हूँ। ऊपर से जो मैं इसका लिंक है इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं आ जाऊँगा यहाँ पे जो दोस्तों हमारा है लिंक वाले ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक कर लूँगा। फर्स्ट वाले पे भी मैं इसको डाल लूँगा, सेकंड वाले ऑप्शन पे भी मैं इसको डाल दूंगा। ये करने का दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ओके का ऑप्शन ये खुल जाएगा। दोस्तों मैं इसको जो है यहाँ से अपडेट कर दूंगा। तो करने के बाद दोस्तों ये इसका जो साइज़ है काफ़ी जो है बड़ा दिखने लगेगा। तो दोस्तों मैं इसका जो साइज़ है मैं थोड़ा सा जो है छोटा करूँगा। दोस्तों छोटा इसलिए करूँगा क्योंकि जो है हमारा इसके अंदर जितना भी मतलब वेबसाइट होता है वो कहीं भी बड़ा नहीं होता है।
दोस्तों आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि वेबसाइट जो होता है हमेशा छोटा ही होता है। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद अब मैं जो इसके आगे है सिंपली लिख देता हूँ वेबसाइट। दोस्तों वेबसाइट ये लिखने के बाद जो है मैं अब इसका भी साइज जो है बड़ा कर दूंगा, यानी कि दोस्तों वेबसाइट तो बड़ा होना चाहिए लेकिन वेबसाइट का जो लिंक है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद जैसे ही आप कोई भी मेरे लिंक पे क्लिक करेगा तो सिंपली जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। दोस्तों मैं आपके सिर्फ वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ, मैं और किसी चीज के लिए नहीं बता रहा हूँ। आप अपने यूट्यूब का लिंक उसके अंदर मत डालिएगा क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए ही बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ से जो है हमारा सेकेंड स्टेप जो है खत्म होता है। अब हम आ चुके हैं दोस्तों अपने थर्ड स्टेप पे। दोस्तों हमने जो है सेकेंड स्टेप यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब मैं थोड़ा सा अपडेट करने के बाद अगर आपको इसके अलावा भी और भी कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसके अलावा, लेकिन अब मेरा जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। मैं थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे जो है मेरा सिग्नेचर नो दिखा रहा है और इसके साइड में भी जो है नो सिग्नेचर यहाँ पे दिखा रहा है। दोस्तों इसी के जो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा सिग्नेचर डिफॉल्ट्स, इसके नीचे जो है मेरा जो है नो सिग्नेचर, इसको मैं लिख दूंगा माई सिग्नेचर, यहाँ पे भी जो है माई सिग्नेचर। दोस्तों यहाँ पे माई सिग्नेचर का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड करके नीचे जो है सेव चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए थोड़ा सा लोडिंग लेगा और जो है आप जो जो इसके अंदर अपडेट किए हैं वो सब कुछ अब इसके अंदर आ जाएगा। इसके लिए मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं कंपोज मेल पे करूंगा तो देखिए दोस्तों ये जो है सब कुछ, यानी कि मेरे मेल के अंदर जो भी मेरे कंपनी का लोगो है, मेरे कंपनी का एड्रेस है, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा वेबसाइट है, ये सब कुछ जो है अपडेट हो चुका है। अब आप सिंपली जो है किसी को यहाँ से मेल आईडी डाल के, सब्जेक्ट डाल के, यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख के सिंपली जो है सेंड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप जो है अपने जीमेल के अंदर अपना मोबाइल नंबर, अपने कंपनी का लोगो, अपना नाम, सिग्नेचर और वेबसाइट, ये सब कुछ जो है डालना जो है सीख चुके होंगे। अगर आपको हमारी डिटेलिंग वाली वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलता अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।